दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गरीब लड़का और धोखेबाज रानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था और उसका एक लड़का था। जब उस व्यक्ति की मृत्यु निकट आई तो उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरी खटिया के नीचे एक पोटली रखी है, उसे तुम मेरे मरने के बाद ले लेना। और यह कहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उस लड़के ने अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद जब उस खटिया को उठाकर उसके नीचे रखी पोटली खोली तो उसमें एक बहुत ही पुरानी टोपी और एक बैल का सींग निकला। यह देखकर वह लड़का काफी उदास हो गया, लेकिन जब उसने उस बैल के सींग को खटखटाया तो उसमें से हाथ में तलवार लिए हुए सेना निकलने लगी। यह देखकर वह लड़का काफी डर गया, लेकिन सेना के सेनापति ने उस लड़के से कहा कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपके हाथ में यह बैल का सींग है तब तक आप ही हमारे राजा हो। आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप इस बैल के सींग को खटखटा देना, हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने वह पुरानी टोपी पहनी, जिसे पहनते ही वह लड़का गायब हो गया। यह देखकर वह लड़का काफी खुश हुआ। वह उस सींग और टोपी को लेकर उस राज्य की रानी के पास गया और उसने सारी बात रानी को बताई, लेकिन रानी ने उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और उस लड़के से कहा कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो जो मैं इस झूठी बात पर विश्वास कर लूंगी। फिर उस लड़के ने रानी से कहा कि अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही देख लो। फिर उस लड़के ने वह सींग और टोपी रानी को दे दी। जैसे ही रानी ने उस सींग को खटखटाया तो उसमें से सेना निकलने लगी। यह देखकर रानी काफी आश्चर्यचकित हो गई। फिर उसने वो टोपी पहनी तो वह गायब हो गई। यह देखकर उसके मन में लालच आ गया। जब उस लड़के ने अपनी चीज वापस मांगी तो उसने देने से मना कर दिया और उसे धक्का मारकर अपने राज्य की सीमा से बाहर निकलवा दिया। अब वो लड़का परेशान होकर भटकते भटकते एक जंगल में जा पहुंचा, लेकिन वह कोई मामूली जंगल नहीं था, वह एक जादुई जंगल था। कई दिनों से भूख और थकान के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। कुछ देर आराम करने के बाद वह खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। फिर उसे एक अंजीर का पेड़ दिखाई दिया। उसने पेड़ से कुछ अंजीर तोड़े और खाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक अंजीर खाया उसकी नाक एक हाथ लंबी हो गई। दूसरा अंजीर खाया तो उसकी नाक दो हाथ लंबी हो गई। नाक लंबी होने के कारण उसमें दर्द होने लगा। फिर उसे जंगल में भटकते भटकते एक बेर का पेड़ मिला। जैसे ही उसने एक बेर खाया तो उसकी नाक एक हाथ छोटी हो गई।
और दूसरा वेर खाया तो उसकी नाक पहले जैसी हो गई। फिर उसने सोचा, चलो अब रानी को सबक सिखा दे, और वापस रानी के पास पहुंचा। रानी ने उससे कहा, तू फिर से आ गया, तुझे मृत्यु का जरा भी भय नहीं? उस लड़के ने रानी से कहा, मैं तो आपसे क्षमा मांगने आया था। रानी ने कहा, चलो तुम्हें क्षमा किया। फिर उस लड़के ने रानी से कहा, मैं तुम्हारे लिए उपहार में अंजीर लाया हूँ। रानी को अंजीर बहुत पसंद थे। अंजीर देखकर रानी बहुत खुश हुई और उसने अंजीर ले लिए, और वह लड़का अंजीर देकर वहाँ से चला गया। अंजीर देखकर रानी से रहा नहीं गया, और उसने जैसे ही एक अंजीर खाया तो उसकी नाक एक हाथ लंबी हो गई। लेकिन वो अंजीर खाने में इतनी मग्न थी कि उसे पता ही नहीं चला, और उसने 12 अंजीर खा लिए, जिससे उसकी नाक 12 हाथ लंबी हो गई। अब रानी की नाक में बहुत तेज दर्द होने लगा। रानी ने राज्य के बड़े से बड़े वैद्य को बुलाया, लेकिन उसकी नाक को कोई ठीक नहीं कर पाया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी उसकी नाक को ठीक कर देगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। जैसे ही इसकी सूचना उस लड़के को मिली तो वो तुरंत रानी के पास आया, और उसने रानी के सामने शर्त रखी कि मैं तुम्हारी नाक को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी टोपी और सींग वापस चाहिए। रानी के पास शर्त स्वीकार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने शर्त स्वीकार कर ली। फिर उस लड़के ने रानी को वेर खाने के लिए दिए। जैसे ही उसने एक वेर खाया उसकी नाक एक हाथ छोटी हो गई। उसने और वेर खाए तो उसकी नाक पहले जैसी हो गई। अब रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया, और उसने उस लड़के से क्षमा मांगी और उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत ही बुरी बला है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।